नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू, आप देख रहे हैं न्यूडिस फास्ट। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा देख रहे हैं आप हमारे हाथ में दोस्तों, ये एक चार्जर है, ये एक डेटा केबल है। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, मोबाइल पे लगाने पे टिक 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 करता है, ये छोड़ता है, पकड़ता है, कभी चार्जिंग छोड़ देता है, कभी पकड़ लेता है। तो क्या होता है, हम लोग परेशान होकर इस डेटा केबल को फेंक देते हैं और मार्केट से एक नया डेटा केबल लगा कर हम लोग यूज में ले लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कहने मतलब ये है कि आप इस डेटा केबल को ना फेंकें, ये डेटा केबल आप रिपेयर कर सकते हैं खुद से और सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे ये रिपेयर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों, ये पीछे साइड में 2 पिन लगा होता है, एक देखिए इस तरफ है, एक इस तरफ है। अक्सर क्या होता है कि मोबाइल में लगाते लगाते ये दोनों पिन थोड़ा से दब जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, किसी सुई की मदद से या कोई महीन छुरी की मदद से इस पिन को थोड़ा से आपको उभार देना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, देखिए इस तरीके से आप पिन को उभार दीजिए दोनों तरफ से, थोड़ा अच्छे से उभारिएगा और थोड़ा संभाल के टूटने ना पाए। इस तरीके से आप उभार दीजिएगा, जब ये उभर जाएगा तो आप जब मोबाइल में लगाएंगे तो आपका जो चार्जिंग छोड़ेगा पकड़ेगा नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा पकड़ेगा नहीं, एकदम अच्छे से चार्ज करेगा और एकदम छोड़ेगा पकड़ेगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।